ऐसे टाइम आएगा जब हमें ये विचार आएगा कि हम खुद को मार लें, क्योंकि वो दुख झेला नहीं जाता। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये दुख क्यों झेले बेकार में, खुद को मार लेते हैं। उस विचार को हटाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। दिस इज चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। मुझे YouTube पर कमेंट्स आने लगे कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज पर एक वीडियो बनाइए, और मैं सोच में पड़ गया कि मेरा क्या बैकग्राउंड है मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर, और मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जो डिप्रेशन होता है वो क्यों होता है, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मेरे टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अपने डिप्रेशन की स्टोरी बता सकता हूँ, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैंने उसको कैसे हैंडल किया। एक बात मैं क्लियरली साफ कर दूँ, मेरा इस टॉपिक पर कोई एक्सपर्टीज नहीं है, राइट? और मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बातों को आप पत्थर पर लकीर ना समझें, ये सिर्फ मेरा अनुभव है। मेंटल हेल्थ के बारे में मैं तो ज़्यादा जानता हूँ नहीं, लेकिन उसका जो वर्स्ट केस आउटकम है व्हेन अ पर्सन किल्स हिमसेल्फ, उसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके बारे में कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। हर इंसान को, हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है, या एक बार नहीं कई बार आ सकता है, जब दुख इतना बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि हम मरी जाए तो अच्छा रहता। और इस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता, मैं बस आपको बता सकता हूँ कि वही सिचुएशन जब मैंने फेस किया तो मैंने उसको कैसे सर्वाइव किया। इनफैक्ट मैंने बहुत दिनों तक ऐसा टाइम देखा है जब मैं दुआ करता था कि मैं काश नींद में ही मर जाऊं ताकि मुझे अगला दिन ना फेस करना पड़े। और उस डिप्रेशन में, उस हालत में एक इम्पॉर्टेंट बात जानने के लिए ये है कि जो एक्सट्रीम स्टेप होता है उसका डिसीजन इंसान एक सेकेंड में ले सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें मेंटली एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहिए अपने आसपास कि हम उस सेकेंड में गलत डिसीजन ना ले लें। और मेरे केस में मैंने वो गलत डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैं उसको इलैबोरेट कर ही सकता हूँ आपके लिए। खुद को मारने का प्लान ड्रॉप करने के पीछे मेरे दो या तीन बहुत बड़े रीजंस थे। अब वो दो तीन बड़े रीजंस में एक साइड पे है भगवत गीता और दूसरी साइड पे है सिंपल लॉजिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन, 3 श्लोकास फ्रॉम द भगवत गीता। भगवत गीता चैप्टर 8:15। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। लेकिन ये जो जन्म है हमारा, ये भी पुनर्जन्म ही तो है। आपने कभी भोजनालय वर्ड सुना है? भोजनालय, तो भोजन का स्थान होता है भोजनालय। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने इस जीवन को क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि दुखालय, दुखालयम। अगर दुखालय है तो उसमें आपको क्या मिलेगा? जब हम ऑलरेडी दुखालय में है तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या फेस करने वाले हैं, दुखी फेस करेंगे ना। लेकिन बात यह है कि हम सब जानते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमें सुख और दुख दोनों आएंगे। तो अगर दुख भी आने वाला है, सुख भी आने वाला है, तो टेंशन किस बात की? बात यह है कि देखिए, हम कभी दुख के पीछे नहीं भागते, हम सुख के पीछे भागते हैं, है कि नहीं? एंड बिकॉज हम दुख नहीं चाहते और सुख चाहते हैं, उसकी वजह से हम एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रूथ बी टोल्ड, हमें दोनों ही आएंगे। और अगर हम दोनों से खुद को डिस्टेंट कर लें, कि भले सुख आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक, तब जब हमें दुख आता है और बिकॉज हम सुख के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो दुख का इफेक्ट हम पर थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कम होगा। जब दुख आए या सुख आए, जब हम दोनों की परिस्थितियों में स्थिर रहने का प्रयास करें, तब हम दुख को भी झेलना सीख जाएंगे। अब मैं आपको ले जाता हूँ बाकी दो श्लोक जो कि साथ में आते हैं, चैप्टर 5:22 and 23। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।
ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल हमने कुछ टेस्टी खाना खा लिया, या फिर हमें कुछ अच्छी हवा लग गई जब गर्मी थी, हमारी कोई लॉटरी लग गई, हमारा कोई फर्स्ट प्राइज आ गया, हम क्लास में फर्स्ट रैंक आ गए, हमें कोई बहुत अच्छा जॉब मिल गया, या हमें किसी लड़की या लड़के से प्यार हो गया, अब कुछ भी बोलिए, हमें जो संसार में जो भी सुख मिलता है वो सुख भले ही लगता हो लेकिन वो दुख का ही कारण बनता है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने कहा कि वो आदि और अंत वाला है, उसका बिगिनिंग होता है और उसका एंड होता है। ठीक है, जो हमें सुख की फीलिंग आई वो शुरू होती है और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, और जब ख़त्म हो जाती है तो बिकॉज वो हमें अब सुख नहीं दे रही, या हम उससे सुख पाना चाहते हैं लेकिन हमें सुख नहीं मिल रहा है उससे, इसीलिए हम दुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी बात जिसकी वजह से हम खुश हुए हैं और वो हमें ज़्यादा खुशी देती है, वो उतना ही बाद में दुख भी देगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई सांसारिक सुख मिले तो उसका अनुभव ना करें, बिल्कुल अनुभव कीजिए, लेकिन उसमें रमे ना, रमे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो ख़त्म हो गया तो हमें अपने जीवन को जीने का सहारा ही ना हो। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यह है कि अगला जो श्लोक है वो शायद भगवद गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में एक है। चैप्टर 5 वर्स 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः ससुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। भगवान ने यह नहीं कहा कि जिसको बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसका बहुत नाम हो जाता है, जिसके पास बहुत पावर आ जाता है, जिसको बहुत अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, या हस्बैंड मिल जाता है, या वाइफ मिल जाती है, या उसको बहुत लोग उसकी इज्जत करते हैं, जो बहुत हेल्दी है, तगड़ा है, दमदार है, वो सुखी है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। हमारी जो भी सांसारिक कामनाएं होती हैं उसमें से कुछ कामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, जिस कामना की पूर्ति में हर्डल्स आ जाते हैं, उस हर्डल की वजह से मनुष्य को दुख और क्रोध आ जाता है। कई बार इच्छा पूर्ति करने के लिए मनुष्य अधर्म भी करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपके मन में एक ऐसी इच्छा आई जिसको पूरा करने के लिए आपको अधर्म करना पड़े या बहुत बुरा काम करना पड़े, तो आपको उस इच्छा के ऊपर जीत पानी है। ठीक है, और उसी तरह जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए, और उस टाइम पर हमें क्रोध पर भी जीत पानी है। ठीक है, जब बहुत गुस्से के ऊपर भी हमें जीतना है, तो भगवान ने ये कहा कि वो इंसान जो कि मरने से पहले जीवित अवस्था में ही अपने डिज़ायर्स को, मतलब अपनी कामनाओं को, काम को, और अपने एंगर को, मतलब गुस्से को सहन करने में सफल हो जाता है, वही सुखी है। जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ के, वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होते, और बिकॉज दीज सर्कमस्टेंसेस आर नॉट अलाइंड विद आवर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एंड जब आप हेल्पलेस फील करते हैं, व्हेन यू थिंक दैट यू कैनॉट डू एनीथिंग टू चेंज द सर्कमस्टेंस, एंड ऑल्सो उसकी वजह से इतना पेन हो रहा होता है, जो पेन हमें नहीं समझ में आता कि दूर कैसे जाए, तब इंसान इस एंगल में जाता है अपने आप को ख़त्म करने के लिए। एग्जाम्पल, हमारी इच्छा होती है कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं लाइफ के वो हमारे अनुरूप हों, और अगर नहीं होते तो उसको अगर हम सहन करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तब हम सुखी हो जाते हैं। तो ये जो तीन श्लोक थे, इन तीन श्लोकों ने मुझे बहुत हेल्प किया ऐसा गलत कदम उठाने से। और अब मैं पार्ट टू पर आता हूँ, जिसमें मैं अपना खुद का लॉजिक समझाऊंगा। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, और एक बार नहीं, शायद कई बार आए। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि कभी ना आए, लेकिन क्या कर सकते हैं, आएगा यार। हमें ऐसा लगता है कि ये एक दुख क्यों झेले बेकार में, खुद को मार लेते हैं। उस विचार को हटाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ।
अगर आप उल्टा सोचते हैं कि मैं हमेशा के लिए जीऊंगा और मैं हमेशा के लिए जीना चाहता हूं, जीलोगे? नहीं जीओगे ना। आप जितनी हजार कोशिश कर लो हमेशा के लिए जीने के लिए, हमारा ये शरीर मर जाएगा। अब आपका एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिए ना। हम अगर अपने आप को नहीं भी मारते तो बाद में मर ही जाएंगे, कौन सा मौत हमें हमेशा के लिए खुला छूट देने वाली है, नहीं ना। इसीलिए जो इनेविटेबल है उसको प्रीपोन करके जल्दी करने का क्या फायदा, जब मरने का दिन आएगा तब मर जाएंगे आराम से। और तो और हमें ये लगना चाहिए कि हम फाइट मार मार के बहुत फाइट करके स्ट्रगल कर करके सर्वाइव किए हैं, अब जाकर हमें जो मौत आ रही है वेलकम डेथ। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सुसाइड करना इतना बड़ा पाप है वो क्यों है, जो सुसाइड करते हैं ना वो अपना दुख खत्म करने की कोशिश में दूसरों को बहुत ज्यादा दुख देकर चले जाते हैं। तो ये थे मेरे दो फंडे, भगवद गीता का फंडा और मेरा अपना फंडा। और मैं आपको तीसरा फंडा भी दे देता हूँ, जब तक हमारी मृत्यु नहीं आ जाती ना, झेलते रहो, जो भी होता है झेलते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।